कैसे हो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका ट्रेडिंग मास्टर्स चैनल पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ट्रेडिंग। तो सबसे पहले हम मार्केट को एनालाइज करेंगे, उसके बाद ही ट्रेड मारेंगे, ठीक है। तो चलिए दूसरे पैर देखते हैं ट्रेड लेने से पहले, कहीं पे भी ब्लाइंडली ट्रेड ना करें। और अगर आप मेरा वन ऑन वन कोचिंग क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो प्राइस और डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में। चलिए देखते हैं कहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। हम ब्लाइंडली कहीं पे भी ट्रेड नहीं लेंगे और हम दो ट्रेड एक ही कैंडल पे मार देंगे, क्योंकि मार्केट आज ओटीसी है और ओटीसी मार्केट मैंने पहले भी बताया था कि रिस्की मार्केट होती है थोड़ी। तो अगर आप न्यूबी हो तो ट्रेड ना ही करो तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हम ड्रॉ कर सकते हैं ट्रेंड लाइन लेवल, ठीक है। यहाँ पे हमने ट्रेंड लाइन लेवल ड्रॉ कर दिया है, देखते हैं ये कैंडल कैसे क्लोज होती है। ठीक है, यहाँ पे मैंने दो ट्रेड लिया हायर ऑप्शन की डायरेक्ट। क्यों मैंने हायर ऑप्शन की ट्रेड ली, क्योंकि आप देख सकते हो ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन लेवल है। आप देख सकते हो हमने यहाँ पे सपोर्ट ट्रेंड लाइन लेवल ड्रॉ किया, और सपोर्ट ट्रेंड लाइन लेवल का ब्रेकआउट कौन से कलर ने कैंडल दिया, रेड कलर की कैंडल ने दिया सपोर्ट ट्रेंड लाइन लेवल का ब्रेकआउट। और जैसा मैंने पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ, ज़्यादातर जो ब्रेकआउट होते हैं ना फेक ब्रेकआउट होते हैं, मतलब ब्रेकआउट के बाद मार्केट रिवर्स हो जाती है। इसके लिए मैं ये जो रेड कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है हमारे सपोर्ट का, उसके बाद में हायर ऑप्शन के साथ चला गया, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे बायर्स ही आएंगे। इसके लिए मैं नेक्स्ट कैंडल पे हायर ऑप्शन गया, मैंने दो ट्रेड मारी है हायर ऑप्शन की यहाँ पे। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, वीडियो लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। लास्ट में मैं डीप में समझाऊँगा वापस कि मैंने ये ट्रेड क्यों लिए, ठीक है। बायर्स ही आ रहे, आप देख सकते हो, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने दो ट्रेड ली, दोनों विन की। तो अब मैं आपको डीप में समझाता हूँ मैंने ये ट्रेड क्यों ली थी। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ से सपोर्ट ट्रेंड लाइन लेवल ब्रेक ड्रॉ किया। अब देख सकते हो यहाँ पे सपोर्ट ट्रेंड लाइन लेवल ड्रॉ किया, सपोर्ट ट्रेंड लाइन लेवल का ब्रेकआउट कौन से कलर के कैंडल ने दिया, रेड कलर की कैंडल ने ब्रेकआउट दिया सपोर्ट ट्रेंड लाइन का। ये हमें क्या बताता है कि जो ब्रेकआउट है ना वो मोस्टली, मैंने पहले भी बोला था, फेक होता है, और जो ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट होते हैं ना वो मोस्टली फेक होते हैं, क्योंकि ट्रेंड लाइन बहुत ही स्ट्रांग होती है। तो ट्रेंड लाइन जब भी आप ड्रॉ करो ना, ट्रेंड लाइन पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड लेने की कोशिश करो। अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पर अच्छा विनिंग रेशियो नहीं मिल रहा तो ट्रेंड लाइन पर ज़रूर मिल जाएगा। इसके लिए मैंने ये रेड कलर की कैंडल के ब्रेकआउट के बाद, और रिजेक्शन भी आया है बायर्स का, इसके लिए मैं नेक्स्ट कैंडल पे बायर्स के साथ ही चला गया। और आप देख सकते हो यहाँ पे हमने ट्रेड विन कर ली। तो टोटल हमने दो ट्रेड लिए और ट्रेड में करीब हमने 8,000 रुपये का प्रॉफिट बनाया। तो यहाँ पे मैं क्लोज कर रहा हूँ। अगर आपको मेरा वन ऑन वन कोचिंग क्लास ज्वाइन करना है तो मेरा टेलीग्राम लिंक और ईमेल डिस्क्रिप्शन में मुझे कॉन्टेक्ट करने के लिए, आपकी मैं वन ऑन वन क्लास लूँगा जिसमें मैं सिर्फ आपको ही सिखाऊँगा, कोई और नहीं होगा। मेरे कोचिंग क्लास की प्राइस है $150। आप गूगल पे जाके लिख सकते हो $150 इंटू INR, आपको पता चल जाएगा। मेरा स्टूडेंट का रिजल्ट्स देखना है तो टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में, ट्रेडिंग मास्टर्स का ऑफिशियल चैनल ज्वाइन करना है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ सक्सेसफुल ट्रेडिंग।